dur. Namlu. Polis kadar dur. Namlu. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम आज मौजूद है ज़िला खानेवाल की तहसील कबीरवाला के इलाके मोज़ा सोलकी में। मैं इस वक्त एक मस्जिद के अंदर मौजूद हूं। मस्जिद जो खुदा का घर है, यहां लोग बख्शिश के लिए आते हैं, खुदा के हुजूर सजदा रेज होते हैं, अपनी दुआएँ मांगते हैं और खुदा से एक ताल्लुक़ कायम करते हैं। जब किसी मुल्क में जंग होती है तो वहाँ की इबादत गाहों में घुसने वालों को पनाह मिलती है। कोई कलीसा हो, कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, कुछ भी हो, वहाँ जो शख्स चला जाए वो पनाह में आ जाता है। मगर यहाँ हमारे मुल्क में ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि जहाँ मस्जिद में आने वालों को भी कोई पनाह नहीं मिलती है, वो लोग भी महफूज नहीं हैं। क्योंकि 5 सितंबर को एक शख्स जब यहाँ नमाज ज़ुहर अदा करने के बाद, अल्लाह की इबादत करने के बाद यहाँ से निकल रहा है, तो उसको एक शख्स इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर देता है। यही वाकया वजह बना हम लोग की टीम की यहाँ मौजूदगी का। हम जानेंगे कि वो शख्स कौन था, उसे क्यों मारा गया और जालिम ने, कातिल ने, जो खुद भी कलमा गो है, उसने मस्जिद के तकद्दस का ख्याल तक क्यों ना रखा। यहाँ खून बहाया गया है और ये किसी गैर मुस्लिम ने नहीं, एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान का खून बहाया है। आज का ये प्रोग्राम उस मज़लूम के नाम कि जिसका खून इस मुकद्दस मकाम पर, मुकद्दस जगह पर, जहाँ 5 वक्त की नमाज होती है, जहाँ 5 वक्त अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद होती हैं, यहाँ उस शख्स को बेदर्दी से कत्ल किया गया। मेरे साथ यहाँ कबीरवाला के रिपोर्टर अमजद राव मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वाकया क्या है, तफसील क्या है, फिर आगे मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अमजद, मस्जिद 5 सितंबर नमाज पढ़कर एक शख्स यहाँ से निकल रहा, हुआ क्या उसने? ये जी, कातल और मकतूल जो हैं आपस में साला बहन हुई है, वट्टे सट्टे की शादी हैं, दोनों की बहनें एक दूसरे की तरफ हैं। अच्छा। तो कातल जो है उन, वो 5-6 भाई हैं, उनको रकबा डिवाइड होके बहुत कम रह गया, और मकतूल जो है जाफ़र, उसके हिस्से में ज़्यादा आती है कि वो इनसे बड़ा ज़िम्मेदार हो गया, जो शरीकेदारी होती है। तो उस वजह से ये एक अरसे से उसके ऊपर झूठे मुकदमात, कभी कुछ मामला, कभी कुछ मामला करते आ रहे हैं। तो ये 5 सितंबर को भी जब ये नमाज़ पढ़ के निकलने लगता है तो ये देखता है कि अटैक करने के लिए फ्याज आ रहा है, जो उसका बहनोई भी और साला भी, तो वो एक दरवाज़ा बंद करता है हॉल का। ये दरवाज़ा जी, ये वाला। आइए ज़रा अजन, ये बता रहे हैं अमजद राव कि नमाज पढ़ी उसने, उसके बाद जब वो निकलने लगा, सामने देखा कि जो मुबजना कातिल है, मुलजिम है, वो सामने से आ रहा है, हथियार के साथ आ रहा, हथियार पिस्टल के साथ, पिस्तौल पकड़े आ रहा, और उस शख्स ने ये दरवाज़ा जल्दी से बंद किया अपने आप को बचाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ अमजद? वो दूसरा दरवाज़ा ये वाला बंद करता है स्पीड से ताकि वो सेव हो सके। अच्छा। उसके बाद जब वो तीसरे दरवाजे पर पहुंचता है तो इतनी देर में कातिल जो है फयाज और उसका एक साथी भी बताया गया साथ, वो पहुंच जाते हैं। इस दरवाजे पे उनकी जोर आजमाई होती है आपस में, एक और दो का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए दरवाज़ा खुल जाता है, अंदर आते हैं। अंदर आते ही उसका साथी जो है वो उसके बाजू पे कुल्हाड़ी का वार करता है, उस वजह से वो उनके साथ लड़ने के काबिल नहीं रहता, और जो उसका बहनोई भी और साला भी है फयाज जो कातिल है, वो उसको शूट कर देता है, गोली मार देता है इस जगह पर। जी, गोली उसके पेट में गोली लगती है। एक नमाजी यहाँ पे नमाज पढ़ रहा है, वो चीखों पुकार डालता है कि ये मस्जिद है, अल्लाह का घर, अगर आप लोगों ने लड़ना भी है तो बाहर जाके लड़ो, ये तो यहाँ पे तो जो आ जाता है उसको पनाह मिलती है। बिल्कुल। लेकिन वो नहीं रुकते। इसके बाद अहले इलाका जब वो आते देखते हैं, क्योंकि साथ ही आपने बाहर भी देखा है गली में, तो अहले इलाका इकट्ठे होते हैं तो मुलजमान फरार हो जाते हैं। मुलजमान की गिरफ्तारी फिर कैसे हुई? ये असल में पुलिस जो है फौरी तौर पे बासर लोगों के जरिए मुलजमान से मिल गई थी, उनको तो या शायद आइडिया नहीं था कि बंदे की डेथ हो जाएगी। अच्छा, यानी वो शख्स जख्मी रहा, कितने दिन तक जख्मी रहा? 4 रोज तक जख्मी रहा वो, और इस दौरान पुलिस ने कोई तवज्जो नहीं दी। इस दौरान पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है मुकदमा दर्ज किया और उसमें वाकया बदल दिया। यानी जब ये वाकया हुआ, एक गोली का फायर होता है, आवाज़ गूंजती है, खौफ और आस फैलता है, क्या पुलिस मौके पर पहुंची ही नहीं? नहीं सर, 2 दिन बाद पुलिस 7 तारीख को यहाँ आती है मस्जिद से, यहाँ से हॉल बरामद करती है, यहाँ जो आप देख रहे हैं अब तक निशानात मौजूद हैं, यहाँ पे वो सारा खून देख के जाती है, लेकिन वहाँ जाके थाने जाके वाकया बदल दिया जाता है मस्जिद से बाहर, जहाँ कातिल का दरवाज़ा। क्या वजह है इसकी? उसमें सर ये बाद में बेनिफिट दे सकते हैं ना कि ये जो मकतूल है उसने अटेम्प्ट की थी, तो इस सेल्फ डिफेंस में उसने डिफेंस में उसको काफ़ी सारी फेवर मिल सकती है, इसलिए ये सारा। नाज़रीन, जुल्म दर जुल्म है। आप देखिए कि एक तो ज़्यादती हो रही है उस शख्स के साथ जिसे कत्ल किया जा रहा है, उसके बाद जब ये बात
ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, यहाँ खून के धब्बे भी हैं, हम नहीं इसको दिखा रहे, जाहिर है ये कोड ऑफ कंडक्ट भी है जिसकी हमें खुद भी जो ज़ाब्ता अख़लाक़ है उसकी पैरवी करनी होती है, पाबंदी करनी होती है। इस जगह पर ये तीसरा दरवाज़ा, दो दरवाजे वो जिसमें बंद करने की उसने कोशिश की मकतूल ने, जाफर जिसका नाम है, लेकिन तीसरा दरवाजा तक जब वो पहुँचा तो मुलजिम और उसका साथी मुबजना साथी उन्होंने वार किया, कुल्हाड़ी से पहले ज़ख्मी कर दिया और उसके बाद फायर किया। इस जगह पर उस शख्स की खून के निशानात मौजूद हैं, इस शख्स की लाश यहाँ, बल्कि मैं लाश नहीं कहूँगा क्योंकि उस वक्त वो ज़ख्मी हुआ, चार दिन तक ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद उसने दम तोड़ा। और पुलिस का क्या कहना जी, पंजाब पुलिस आपको सलूट है, इसलिए कि आप लोग जिसको चाहे मुलजम बना देते हैं, जिसको चाहे आप मुजरिम बना देते हैं, जिसको चाहे आप मासूम बना दें। पुलिस दो दिन तक जाए वकूआ पर, जाए वारदात पर आई ही नहीं, जहमत ही नहीं की, ये हमारी पुलिस की कारकर्दगी। और उसके बाद जो मुकदमा दर्ज किया जाता है, एफआईआर दर्ज की जाती है, उसमें भी मस्जिद का जिक्र नहीं, हालांकि एक ऐनी शाहिद जो यहाँ नमाज़ पढ़ रहा था वो मौजूद है, वो ये सब कुछ बता रहा है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में दर्ज तक नहीं किया इस मस्जिद के मकाम को। यहाँ उस शख्स को ज़ख्मी किया गया और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए बाद में वो अस्पताल में चल बसा, मगर पुलिस ने जिक्र तक नहीं किया है। उसके साथ साथ ये सवाल भी गौरतलब है कि पुलिस जो अब दावा करती है कि जी फ्रेंसिक लैब मौजूद है पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ी फ्रेंसिक लैब है पंजाब के अंदर और हम उससे इस्तफादा करते हैं, मगर पुलिस ने जहमत तक नहीं की कि ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि दो लोग जोर आजमाई कर रहे थे इस दरवाजे के साथ अंदर दाखिल होने के, और मकतूल जाफर पर हमला करने के लिए उनके फिंगरप्रिंट्स, उंगलियों के निशानात यहाँ से लिए जा सकते थे, लेकिन पुलिस ने ये जहमत भी नहीं की। दो दिन गुजर गए, उसके बाद भी जो मुकदमा दर्ज होता है उसमें मस्जिद का जिक्र तक नहीं है। पुलिस की कारकर्दगी आपके सामने है जी, हम पुलिस से सवाल ज़रूर करेंगे, उनसे पूछेंगे ज़रूर कि क्या वजह है, क्या एक इंसान की जान इतनी ही गैर अहम है, इतनी ही अर्जा है कि मस्जिद में कत्ल किया जाता है उसको और आपकी एफआईआर में मस्जिद का जिक्र तक नहीं होता, क्या इतना आसान है किसी भी इंसान को दिन दहाड़े कत्ल कर देना जब वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर निकल रहा हो, क्या इतना ही आसान है ये सब कुछ करना, ये हम पुलिस से ज़रूर पूछेंगे। पुलिस का काम है मदद आपकी, लेकिन यहाँ पुलिस का काम लगता है कि मजलूमों की मदद नहीं बल्कि मुलजमान की, मुजरिमान की मदद करना पुलिस का काम बनता जा रहा है। इस इलाके में मजीद लोगों से बात करते हैं। ये मस्जिद जो खुदा का घर है, ये जाफ़र के लिए उस दिन मौत का मकाम इसलिए बन गया कि इंतहाई बेदर्दी से एक जालिम शख्स ने जायदाद, मुबजना तौर पर जायदाद की वजह से, लालच की वजह से अपने ही बहनोई को, अपने ही साले को, यानी कि बट्टा सट्टा का ये रिश्ता था, उसको कत्ल कर दिया। मुलाजिम आप यहाँ के लोगों से बात करते हैं, इलाका से बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो बेहतर सूरत हाल है, बेहतर मामलात हैं, वो ये लोग बता सकते हैं क्योंकि इस जगह पर रहते हैं और दोनों जो पार्टीज़ हैं उनको ये जानते भी हैं। तो इलाके के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम जी? जावेद अहमद। जावेद साहब, ये क्या मामला है जाफर और फयाज का? ये मामला जी इन्हों का एडा आपते पितरे रहे, नमाज पढ़िया से कातल का घर बिल्कुल नाल दरवाजे के मस्जिद। सही है, ठीक है। तो जेड़ा बहुत पिछले पास घर मस्जिद वो नमाज पढ़ने आया तो अंदर इन्होंने फायर मारी। अच्छा, आपने देखा फायर मारते हुए या सुना? सर देखा है जी। आपने देखा? देखा है जी। मस्जिद के अंदर फायर किया? मस्जिद के अंदर जनाब। तो ये बताएं कि ये क्या इसका कोई रिकॉर्ड ऐसा है, ये मुजरमाना रिकॉर्ड हो, पहले भी कुछ तरह की कार्रवाइयाँ करता रहा ये कातिल? पहले भी करते रहे, अगे भी एक दो कातिल इन्हें कहते हैं जी। पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? पुलिस नहीं पकड़ती जी। क्यों? पैसे पूसे लेके बंद हो जी। आप आ गए हैं जी? जी आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पुलिस क्यों नहीं पकड़ते जी इन लोगों को? सही गरीब बंदे हैं, मजलूम हैं, ते ओ पैसे पूसे दे लें जिम्मेदार उदे ना सगरीबा मजलूम आ दी सुनदा कोई नहीं पिया। जिस दिन ये फायर हुआ है आप यहीं पर थे? होर। देखा आपने? होर। कितने लोग थे जिन्होंने मारा है जाफर को? एक। एक आदमी था? एक। कोई साथी नहीं था उसका? कोई। मुलजिम का घर है फयाज जिसका नाम है, जिसने अपने बहनोई को कत्ल किया है, और ये बिल्कुल मस्जिद के साथ है एक घर, ये इस जगह वो रहता था फयाज। बड़ा आसान था उसके लिए यहाँ से निकलकर मस्जिद के अंदर घुसकर फायर करना। और जो जाफर है वो इस बात से कतई नज़र कि यहाँ पर एक शख्स जो उसकी जान का दुश्मन है वो मौजूद है, वो फिर भी यहाँ नमाज़ पढ़ने आ रहा था, शायद उसने ये सोचा होगा कि ये बंदा कभी भी मुझ पर मस्जिद में हमला नहीं करेगा, लेकिन इस शख्स के जो है इरादे
खौफनाक थे। अंदर बात करने की कोशिश करते हैं। ये घर है फयाज का जो कि मुलजिम है, पुलिस की हिरासत में भी इस वक्त। इन जो घर में मौजूद लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये वाकया जो पेश आया है इसके बाद अब क्या लगता है कि क्या सूरत हाल होगी और ये लोग क्या मौक़िफ़ रखते हैं फयाज के इस अमल के हवाले से। कोई है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, फयाज का घर है जी, आप क्या लगते हैं जी फयाज की? जी जी, क्या लगती हैं आप? बहन है फयाज की। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह ये भी जाफर को उसने कत्ल किया फयाज ने, कोई आपको आप पता था कि वो कोई ऐसी बात कर रहा हो कि मैं मार दूंगा कत्ल कर दूंगा, कोई धमकियां वगैरह दी थी उसने जाफर को? आपको नहीं पता? असला था उसके पास, ये पता आपको? आपको नहीं पता? अच्छा ठीक है। चादर चार दीवारी का तकद्दस, जिसकी वजह से जाहिर है हम इनसे उतनी ही बात करेंगे जितनी ये करना चाहें और हम इसका एहतराम भी करते हैं। पहले इन्होंने कहा कि इन्हें कुछ नहीं पता, कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो कत्ल किया है जाफर को फयाज ने, जानते हैं इस वाकये के बारे में? जी बिल्कुल जानते हैं। आपके सामने हुआ? जी ये सामने हुआ, ये फैर की आवाज़ सुनकर हम इधर आए तो वो फयाज देखा आपने? उसने गोली मारी फयाज ने जाफर को। मस्जिद के अंदर या बाहर? मस्जिद के अंदर, वो नमाज पढ़ के दुआ मांग रहा था। अच्छा, तो ये पुलिस नहीं आई दो दिन तक यहाँ पर? पुलिस की उन्होंने पैसे दे के। किसने पैसे दिए? फयाज, फयाज ने पुलिस को पैसे दिए? फयाज? हाँ जी। अच्छा, पैसे वाला आदमी है वो? हाँ जी। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद पुलिस हमारी बात भी नहीं सुनती। क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कहते हैं चलान करना, चलान करना, वकुआ बहर का है। फांसी लगे। कुल्हाड़ी कहाँ से मिली? मेरे हाथ में थी और पिस्तौल भी था। हाँ जी। पुलिस का गठजोड़, 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 मकतूल को। देखिए जी, हट धर्मी पुलिस की और मस्जिद है इस बात पर कि वकुआ बाहर का है, मस्जिद के अंदर का नहीं है। ये जी क्या है ये? अस्सलाम वालेकुम जी, आप किसकी वालदा हैं? हम शीरा हैं। बहन आपकी? किसकी? जाफर की। तो ये क्या मसला, क्या था मामला, क्या था दोनों के दरमियान? कोई मामला ही नहीं था, ये दहशतगर्द हैं। फयाज दहशतगर्द था। अगे भी एक कतल उसने किया, हूँ असा भाई की शादी की है। दूसरी शादी की आपने भाई? हाँ जी, हाँ जी। आपको कभी जाफर ने बताया कि कोई धमकियां दे रहा है ये मारने की? कभी बताया, जिक्र किया? हाँ जी, सानू आप नु पता ही है, साडे मुंह ते धमकियां देंदे हन, हुण ही सानू धमकियां देंदे खलोते। क्या कह रहे हैं? हुण ही आ देना सतवा नु मार देसा। अभी वो कैद में है पुलिस की, फिर भी धमकियां दे रहा है आपको? ले धमकियां देंदे रहने, जो बाकी बच गए लोग वो धमकियां दे रहे हैं? धमकियां देंदे सानू सतवा। आपने पुलिस को बताया नहीं? पुलिस नु बताया नहीं, सुनदे पे। क्या कहते हैं पुलिस वाले? ओ आ देन तू सकूड मरेंदे। ये कौन है? अम्मी। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, अफसोस हुआ बड़ा जी जाफर की मौत का। मेरा कोई नहीं है, मेरा जी। हुकूमत वाले आपको देख रहे हैं, कोई अपील करेंगी उनसे, कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जुड़े हुए हाथ हैं जी इस खातून के, इस बूढ़ी माँ के, इसने अपना बेटा खोया है। मैं भी हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूँ कि प्लीज ये पैसे लेकर केस को ख़राब कर देना, ये अमल अब छोड़ दें। आप भी बच्चों वाले होंगे, आपके घर में भी रिश्तेदार अजीज होंगे, एक इंसान की जान गई है। मेरी बात नहीं सुनते मत सुनिए, इस बूढ़ी माँ के आंसुओं को देख लीजिए। नोटिस लेने वाली सरकार से मेरी गुजारिश है कि हुकूमत जो है, हमारी सरकार जो है, वो नोटिस ले, इनकी फरियाद सुने, इंसाफ दिलाएं इनको। हम आपकी जयजयकार करेंगे, हम सराहेंगे आपको, खुदारा इंसाफ दिलाएं। जाफर की मौत हुई, एक इंसान की मौत हुई है और वो अभी भी धमकियां दे रहे हैं। ये जो मुलजमान है, जो कातिल ग्रोह है, ग्रुप है, ये धमकियाँ दे रहे हैं। इस बूढ़ी माँ को इंसाफ चाहिए। आप अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन है जी? मैं बहन होती। आप भी जाफर की बहन है? हाँ जी। आपके पास कोई है जी मालूमात, को धमकियां वगैरह दे रहा था फयाज पहले? हाँ जी। आपके सामने दी धमकी?
धमकी साडे सामने सानू मारे दे आन के धमकी साडे मारते थे आपको आके हां जी सानू लोग सारे सुनन वाले सानू मारे दे आन सानू मार के ते साडी कह नहीं सुनी वाती हुण ही जेड़ा है हुण ही हर वेले धमकी देंदे है ते अस साडे गुवावे दे सानू मारे दे साडी जमीन पानी नहीं बनन दे कितने कोई मर्द रह गए पीछे खानदान नहीं साडा कोई कोई नहीं यही कोई साडा भाई जेड़ा अल्लाह तू चल अल्लाह ले लिया सत हो कलियां पई आप भी इसी घर में ब्याही गई हैं जाफर के घर से गारा मु ते मेरा देर है ओ जेड़ा फियाज है फियाज आपका देवर है हां जी ये कौन है जी मेरी बहन है आप भी इसी घर में है जी हां जी अच्छा घर में से मैंने 14 साल हो गए मैंने उस बजाई हुई मेरे उत्ते सौकन पाई हुई है हूँ जड़ा है मेरे भाई ने असा अकदे अकदे पर नाया इन हल्के जमीन के चक्कर साढ़े बिरा गोली मारी गई है हूँ जड़ा है सानू हथु नाल मस्जिद अच्छा आपका तो शोहर है ना जी जो मुलजिम है फयाज आप क्या चाहते हैं क्या होना चाहिए जाहिर है आपका शोहर भी है यो चानिया ओ सुन फांसी लगे आपके शोहर को फांसी लगे आप चाहते लगे मेरे अखी सामने जो मैं जिवे मैं रोंदी बैठी है इने एदे कर दे इने रोवे मैं ता नहीं मैं सारा टब्बो रे बंजे उदाई लगा बंजे ये खातून है ये फयाज वो जो मुलजिम है उसकी बीवी हैं ये वाइफ हैं और ये खुद कह रही हैं कि इंसाफ चाहिए जिस तरह घर उजाड़ा है अगर एक खातून खुद अपने शौहर के बारे में ये बात कर रही है तो अंदाज़ा कर लीजिए जाहिर है ये झूठ तो नहीं बोलेंगी इन्हें ये जब ये कह रही हैं कि मेरे शौहर को बेशक फांसी हो लेकिन इंसाफ होना चाहिए तो ये बात बड़ी अहम है मैं दोबारा इन खातून की तरफ आऊँगा दोबारा आपसे अपील करूँगा देखने वालों से हुकूमत वक्त से मैं इस औरत के कांपते हाथों पर इस औरत के बहते आंसुओं पर तरस खाएं लोगों से बात की है इस मजलूम ख़ानदान से बात की है इनके घर में कोई अब मर्द नहीं रह गया कोई पीछे मर्द नहीं बचा वकील हैं जी इस केस को लेकर इनके साथ और बड़ा नेकी का ये काम कर रहे हैं जाहिर है इनको इंसाफ दिलाने के लिए अगर इनसे बात करता हूँ अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम आपका नाम रियाज शाहिद रियाज शाहिद साहब अब अलमिया ये है कि वाकया मस्जिद के अंदर पेश आता है पुलिस उसमें दो दिन बाद आती है और फिर FIR में मस्जिद का जिक्र तक नहीं करती केस पुलिस खुद बिगाड़ रही है जी पुलिस इसको टेक्निकली बिगाड़ रही है और पहले दिन से ही बिगाड़ रही है FIR के इंदराज से ही ये बात सामने आ जाती है क्योंकि FIR जो पुलिस ने चौक आउट की है वो पुलिस ने जाफर की एक मनगढ़ंत एप्लीकेशन है जो उसकी बीवी फरजाना मक्तूल खुद जो है उसकी अच्छा आप देखिए पुलिस की बादशाही देखिए कि जो मक्तूल है उसका ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेशन थिएटर में है गोली उसके पेट में लगी है और वो निश्तर हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में है और उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन वो उसकी बुनियाद पर पुलिस ने मक्तूल को ही कंप्लेनेंट बनाकर FIR चौक किए और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पुलिस की इंटेंशन यही है कि इसको सेल्फ डिफेंस की तरफ ले जाया जाए अच्छा। क्योंकि कातिल का जो घर है वो मस्जिद के बिल्कुल साथ है अब जो प्लेस ऑफ अकरेंस है क्राइम सीन वो मक्तूल के कातिल के घर के बिल्कुल साथ है तो पुलिस की इंटेंशन ये है कि मक्तूल चल के आया है सेल्फ डिफेंस कैसे मामला डिफेंस का वो अब शुरू से ऑनलाइन है इसका मतलब ये है कि पुलिस पहले दिन से इंसाफ प्रोवाइड करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है आप क्या इंटेंशन है आपकी आप क्या करेंगे आप जाहिर है ये तो पुलिस तो ऐसा लग रहा है जैसे मुलजमान जो हैं वो सिर्फ एक मुलजिम की हद तक नहीं पुलिस भी मुलजमान में ही शामिल है क्या करेंगे आप हमारी इसमें प्रेयर ये है एफर्ट ये है कि इसमें एप्लीकेशन दी जाए सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन दी जाए ताकि जो एक्चुअल और ओरिजिनल स्टोरी है जो असल कहानी है उसकी जानिब से एप्लीकेशन ये जो मक्तूल की वालदा है या मक्तूल की हमशीरा है उसकी तरफ से ज़ाहिर है अभी तो मुद्दा इस केस में मक्तूल खुद है तो ये मुद्दा बनेंगे फिर ज़ाहिर है फिर मक्तूल की वालदा या मक्तूल की हमशीरा उसकी तरफ से सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का एडिशन होगा ताकि जो ओरिजिनल एक्चुअल जो हकीकत है वो सामने लाई जाए कला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब आपसे रिक्वेस्ट है ठीक है अगर कहीं कोई वाकया ऐसा पेश आता है कि किसी VIP शख्सियत को रोका जाता है तो फिर तो DPO की तलब ही हो जाती है DPO का तबादला भी हो जाता है लेकिन ये इंसान है गरीब ज़रूर है लेकिन इंसान है इंसाफ चाहते हैं इनके लिए नोटिस लें अब आप पुलिस को बुलाकर पूछें
جائز ہوگا، اس پہ شاباشی ملے گی آپ کو۔ تنقید پہلے آپ پر ہوئی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا، لیکن اب اس کی شاباشی ملے گی اگر ان کو انصاف دلاتے ہیں۔ خدا را ان لوگوں سے ان کا دکھ پوچھیں، جانیں، نوٹس لیں، خود نہیں آ سکتے، کسی کو بھیجیے، نوٹس لیجیے، پولیس سے پوچھیں کہ پولیس ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اور آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ پر ایک ذمہ داری ہے، آپ پر اس عوام کا جو انہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، اس کرسی تک، ایک حق موجود ہے ان کا، اور قرض ہے جو آپ کے ذمے ہے، یہ قرض ادا کیجیے۔ جعفر کی موت ہوئی ہے، جعفر کو انصاف دلائیں، ان کے پیچھے کوئی مرد نہیں بچا، یہ چار خواتین ہیں جو ابھی بھی دھمکیوں کی زد میں ہیں۔ یہاں اس مسجد میں ایک انسان کا قتل ہوا ہے، ایک کلمہ گو کا قتل ہوا ہے، ایک نمازی کا قتل ہوا ہے، ٹھیک اس وقت جب وہ وضو میں تھا، نماز پڑھ کر باہر آ رہا تھا۔ تو اس شخص کو، جعفر کو، انصاف ضرور ملنا چاہیے۔ کلہاڑی کہاں سے ملی، میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ ہاتھ میں تھی اور پستول بھی تھا۔ ہاں جی، 311 یعنی فساد فی الارض کی جو دفعہ ہے وہ تو اس میں لگتی ہے نا جی۔ نہیں، وہ ہے 311 جو ہے وہ زنا اور قتل بل اپنا۔ ان کی صلح کرنے کا کوئی ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ کورٹ میں جا کے کریں گے، تو کورٹ جانے اور یہ جانے۔ ناظرین، جعفر کو قتل کرنے والا مبینہ ملزم اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس فیل کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ فیاض۔ فیاض، کیا رشتہ ہے جعفر کے ساتھ؟ پتریر، کزن ہے۔ ہاں جی۔ اور اس کے علاوہ بہنوئی بھی تھا؟ ہاں، بہنوئی بھی تھا۔ مارا کیوں پھر اس کو، قتل کیوں کیا؟ اس نے لڑائی جھگڑا کی تھی، رکھ دیا، بہن میری نے مار تو بجا دی، تو زمین میری فارغ کر دی۔ زمین کس کی تھی، تمہاری یا اس کی؟ ماری۔ کتنی زمین تھی؟ 3 کنال۔ جی، ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ جعفر کی تھی۔ نہیں سر، وہ لمبی لائن وہی پی، ساڈی نال وہی پی، میری اینڈ تے پی۔ اس کی کتنی زمین ہے؟ وہ اس لائن 4 بیگھے۔ جھگڑا چل رہا تھا، اس کے بعد تم نے سوچا کہ میں اپنے بہنوئی کو مار دیتا ہوں، بہن کو بیوہ کر دیتا ہوں، یہی سوچا؟ ہاں بھائی، جان تو چھٹ دی ہے نا، مگر فساد جھگڑا لیتا تو مکتا۔ جھگڑا نمٹانے کا اور کوئی طریقہ سمجھ نہیں آیا؟ کوئی خاندان کا بڑا، کوئی بزرگ نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا کوئی شخص نہیں تھا، تم نے کہا بس قتل کر دوں، یہی اس مسئلے کا حل ہے؟ بھیجا نا سائیں۔ کس کو بھیجا؟ پوری برادری تمہیں پیر آدھے رہے، سارے وہیں رہے، لیکن نہیں مننی، کسی دی نہیں مننی۔ کیوں مارتا تھا تمہاری بہن کو، یا تشدد کیوں کرتا تھا؟ بقول تمہارے، وہ تمہاری بہن کے ساتھ جھگڑا کرتا تھا، مارتا تھا، تشدد کرتا تھا، کیوں، وجہ کیا تھی؟ کیا پتا، بہن نے بتایا نہیں؟ نہیں، بہن نے تو یہی بھائی، میں بھائی اتنے معصوموں کے بہن نے کہا کہ جھگڑا کر رہا ہے، مار رہا ہے، اور تم نے پوچھا بھی نہیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں مار رہا ہے؟ میں بھائی شادی، وہاں معصوم بہت ہو، شادی کرنا چاہتا تھا، 10-12 سال شادی کو ہو گئے تھے، دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ جی اچھا، تو دوسری شادی کب کی اس نے؟ کی ہے اس نے، کب کی؟ اس مسئلے تو 8 دن پہلے۔ یعنی اصل میں تمہیں غصہ اس کی دوسری شادی کا تھا، ایسا ہی ہے؟ اور جھگڑے شگڑے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف دوسری شادی کا غصہ تھا؟ زمین بنجر ہوئی پئی ہے، بوٹے سڑ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنی بہن، ظاہر ہے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ تم چاہتے تھے کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو تاکہ زمین کا کوئی حصہ دار پیدا نہ ہو، یہ سچ ہے؟ جھوٹ ہے سائیں، جھوٹ ہے، جھوٹ، باقی سب لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ جھوٹ ہے، اس کے گھر والے جھوٹ کہہ رہے ہیں جعفر کے؟ بالکل جی، اساں او تا آپ دا مارا کیسے، قتل کیسے کیا؟ پسٹل دے، پسٹل کے ساتھ مسجد میں گھس کے مارا اس کو؟ نہیں نہیں، کہاں مارا؟ باہر سامنے بوئے دے وچ آیا۔ کس کا دروازہ؟ مسجد کا دروازہ ہمارا، ہاں مسجد دے سامنے، میں ساڈا بھی سامنے۔ نماز پڑھ کے آیا تھا؟ ہاں جی، اے نماز پڑھ تے آ رہا جے، باہر آ رہا، میں نہیں پتہ، ایسے سوچا ہوا تھا تم نے مارنا ہے، میں نے اس کو قتل کرنا ہے۔ پسٹل کہاں سے لیا؟ پسٹل کہاں سے لیا؟ وہ مل رہا تھا سائیں۔ کہاں سے؟ وہ ٹھوکر پر۔ ٹھوکر پہ کون ہے؟ ویسے آ رہا تھا رات، راستے میں پڑا ہوا تھا، چھابڑی کے اوپر، ریڑھی کے اوپر پڑا تھا، تم نے لے لیا؟ میں نے راجواد کی سائڈ دیر پہ آئی تھی، ایسے ہی بس پڑا ہوا تھا پسٹول، تم نے اٹھا لیا؟ تمہارے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ رکھ کے گیا تھا وہاں پسٹول؟ رب جانے سائیں کسے نے، پسٹول مل گیا، اس میں گولیاں بھی مل گئیں بڑے آرام سے۔ بڑے پہنچے ہو آدمی ہو تم، دعا کرو تمہیں تو کچھ بھی مل جائے گا۔ اس طرح تم نے ارادہ کیا قتل کرنے کا، تمہیں راہ میں پسٹول مل گیا ہے؟ بزرگ ہو تم تو بہت بڑے۔ نہیں سر نہیں۔ اور کس سے مارا اس کو؟ کوئی بھی نہیں۔ کلہاڑی کا وار نہیں کیا؟ نہ، میں نے کیا۔ کلہاڑی کہاں سے آئی؟ وہ بھی راہ چلتے مل گئی تھی۔ ٹاویے چھانگن جا رہا تھا۔ کلہاڑی کہاں سے ملی، میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ ہاتھ میں تھی اور پستول بھی تھا۔ ہاں جی،
पिस्तौल भी था, कुल्हाड़ी भी थी। नफरत थी इतनी तुम्हें जाफर से? हाँ जी। तुम्हारे चचा का बेटा वो? हाँ जी। ये बताओ कि उसको गोली मारी पहले, कितनी गोलियां मारी उसको? एक ही। उसके बाद कुल्हाड़ी का वार किया? नहीं नहीं, कुल्हाड़ी का वार तो पहले किया था। किस पे किया? पहले पहले कुल्हाड़ी मारी फिर गोली मारी? हाँ जी। फिर वो तो बंदे ने पकड़ लिया मुझे। तुमने अच्छा काम किया, नेक काम किया? नहीं, बुरा किया। भागे हो वहाँ से? पुलिस ने कैसे पकड़ा? इन्होंने पकड़ लिया जी। कैसे? आ रहा था जैसे रास्ते पर। बस ये तो बता दो ना सच सच के पिस्तौल कहाँ से लिया, क्योंकि असल मसला तो पिस्तौल का भी है। राह चलते तो पिस्तौल, मैं मुझे तो कभी नहीं ऐसा कुछ कोई चीज मिली। झूठ नहीं, सच बोल रहा हूँ। उसको मिला? अच्छा, रास्ते से मिला पिस्तौल। हाँ जी। तुम्हारी बहन बेवा हो गई है, तुमने बहन को बेवा कर दी है। तुम्हारी जो अपनी बीवी है उसके भाई को तुमने कत्ल कर दी है। कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा कुछ है? हाँ जी। क्या? बड़ा दुख है। दो औरतें, अगर तुम्हें सजा हो जाती है, तुम्हारी अपनी बीवी भी बेवा हो जाएगी अगर तुम्हें मौत की सजा होती है। वो जो औरतें, यानी जो बीवियाँ थी जाफर की, जिसमें तुम्हारी एक अपनी बहन भी, उनको तुमने बेवा कर दिया। नहीं काम किया? नहीं, बुरा किया। उसने दो उसकी बहनें हमारे घर हैं। दो बहनें उसकी तुम्हारे घर हैं? हाँ जी। तुम्हें शर्म नहीं आई है? बस क्या, और कौन कौन था तुम्हारे साथ इस मामले? कोई भी नहीं था। अकेले थे? अकेले शेरते हैं। बंदा मार दिया, नमाज पढ़ के वो आ रहा था, अल्लाह का नाम लेकर वो आ रहा था, उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। हैं, बड़ा बहादुरी का काम किया। नहीं था। बच जाओगे? बस रब ले मरते थे। रब? रब का बंदा मार दिया और रब का नाम ले रहे हो? कुछ शर्म आती है? मुझे तुम पे कोई रहम नहीं आ रहा, तरस नहीं आ रहा। इंसान को मारा तुमने एक। ठीक है। डॉक्टर पे अपनी बहन को भी तुम खुद लेकर जाते थे। हमें ये पता चला है कि बहन की औलाद तुम नहीं होना देना चाहते थे, कोई वारिस ना पैदा। ये गलत है जी। गलत है? तुम्हारी बहन से हम पूछेंगे। पूछो ना, ये गलत है। जमीन तुम्हारी जायदाद जितनी भी थी उसकी भी थी, वो तो सब यहीं पे रह जाएगी। अब वो जमीन कहाँ किसके काम आएगी? सोचा? बंजर हो जाएगी। बंजर हो जाएगी। चलो ठीक है, ये बाद में जो पछतावा है या बाद में बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब ये काम कर रहे होते हैं तब ख्याल नहीं आता। रब रब कर रहा है ये बंदा, लेकिन रब के बंदे को कत्ल कर दिया इंतहाई बेदर्दी से। तफ्तीशी अफसर साहब हैं, होमसाइड इंस्पेक्टर हैं ये फलक साहब, इनसे बात करते हैं। सर, इस बंदे को किस तरह गिरफ्तार किया, क्या आपके पास शवाहद अभी तक जमा हुए हैं, तफ्तीश कैसे चल रही है? तफ्तीश इन मैं रेड भी कर रहा हूँ। ये 10/9 को बंदा मजरूब पहले हुआ था, 10/9 को मरने के बाद तफ्तीश मेरे वाले होगी। मैंने इंशाल्लाह जो मजलूम हैं उनका हक दिला करूँगा, इंसाफ करा करूँगा। इसको मैंने अपने मुलाजमान के साथ मिलकर काबू किया है और इंशाल्लाह इनका रिमांड ले लिया है। इससे बरामदी करूँगा, बरामदी करके इसका हमराही। 5 तारीख का ये वाकया और मुकदमा दर्ज होता है, एफ आई आर दर्ज होती है 9 तारीख को। 6 तारीख हो रही है। 6 तारीख का, 9 तारीख को इसकी एफ आई आर दर्ज? नहीं, 6 तारीख को एफ आई आर दर्ज होगी। 6 तारीख हुई। और ये मजरूब जो है मोहम्मद जाफर, वो मुरखदासनों को निश्तर अस्पताल में मर जाता है। वो शख्स जानकने की हालत में है और वही मुद्दई है इसका, उसी का ही बयान लिया जा रहा है। घर में और कोई नहीं था जिसका बयान लिया जा सकता? उसने कहा है कि तफ्तीशी साहब का जो है ना, उससे मैंने मालूम किया है कि आपने किसी दीगर को क्यों नहीं बनाया। उसने कहा कि वो वजह था कि मैं खुद ही मुद्दई बनूँगा ना। आप तो पुलिस को तो हालात देखने चाहिए ना, एक बंदा मर रहा है, वो कैसे, एक मरते हुए बंदे के बयान की अहमियत कितनी होती है? मरते हुए बंदे की बयान डाइंग डिक्लेरेशन है। अगर ये इसी पे कायम रह जाते हैं तो इंशाल्लाह इसको सजा मौत होगी। क्या बयान दिया उसने? उसने बयान दिया कि मुझे इसने मारा है, फैर मारा है, और इसके साथ एक साथी है, उसने मुझे गुलाने मारी है। साथी की गिरफ्तारी अभी अमल में आई? ऐसे मालूम कर रहे हैं इसे। ये तो कहता मैं अकेला था। अगर अकेला तो अकेले, फिर इंशाल्लाह। जो इसे बरामद क्या क्या हुआ, इसलाह क्या बरामद हुआ? पिस्टल बरामद करना है, वो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये राह चलते पिस्टल मिल गया, आप उस बंदे का भी तो तयन करें कि जिससे इसने ये पिस्तौल हासिल किया। जी, मैं इसमें इस तरफ ही देख रहा हूँ, क्योंकि अभी ये इसने बरामद नहीं किया। जब बरामद हो जाएगा तो फिर मालूम करूँगा ना ये कहाँ से आपके पास। मैंने सिर्फ अभी तक FIR में इसी को नामजद किया हुआ, इसके साथी इसी को नामजद किया है और साथी को नहीं है। मस्जिद के अंदर कत्ल हुआ जिसके शवाहद मौजूद हैं, वो उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, ये हम आपको ज़रूर फराहम करेंगे। उसके बाद इस केस का रुख बदल जाएगा क्या? देखो जी, इंशाल्लाह जो मेरे मस्जिद के अंदर घुस रहा है और नमाजी भी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ये शख्स फायर करता है, वो किसी और को भी लग सकता है, ये जाति तो ना रहा ना मामला। मैं यही कह रहा हूँ कि जाति इनका आपस में मामला, जातियात में ही ये आपस में
पहले भी इनका दंगा फसाद हुआ है, फिर भी हुआ, और इसके बाद फिर ये वहाँ मस्जिद के गेट पर भी इनका केस कितना मजबूत है फलक साहब? सर अगर ये इंशाल्लाह सजा मौत होगा ज़रूर। ठीक है जी, फलक साहब तफ्तीश कर रहे हैं इस केस की और इनका कहना यह है कि सजाए मौत यकीनी इसलिए है कि केस मजबूत है। बहरहाल जाहिर है अभी तक तो तफ्तीश चलनी है, अभी तो ये मामला अदालत में चलना है, देखते हैं कानून क्या फैसला करता है। और ख़ास तौर पर जो जाफर का बयान जो उसने मरने से पहले दिया वो बड़ा अहम है, और ये शख्स जो अभी तक दावे कर रहा है उनमें रत्ती बराबर भी सच्चाई कम अज़ कम मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। देखते हैं कि पुलिस क्या तफ्तीश करती है। अज़न जाफर कत्ल केस सिर्फ एक कत्ल का केस नहीं है, ये एक ऐसी मिसाल है जिसमें एक शख्स ने न सिर्फ अपनी बहन के सुहाग को उजाड़ा बल्कि अपनी बीवी के भाई को भी कत्ल किया। ये कज़न है, फयाज़ नामी मुलज़िम का ये कज़न है जिसको उसने बेदर्दी से कत्ल किया। इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है और क्या इसका मुस्तकबिल है, ये जानने के लिए DSP कबीरवाला जनाब मंसूर आलम खान साहब के साथ मैं मौजूद हूँ, बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब वक्त का आपके। अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है सर? ज़ीशान साहब, इसमें जो इसका मुलज़म है वो गिरफ़्तार हो चुका है और वो हमारे पास रिमांड पर है, तो रिमांड के दौरान उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इससे आला कतल हम बरामद करेंगे। ठीक है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन मैं भी सुनूंगा और इसको इंशाल्लाह मेरिट पर डिसाइड करेंगे। सर दूसरे मुलज़िम का भी जिक्र आ रहा है लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं, निशानदेही भी उसकी नहीं हुई है अभी तक, क्या वजह है इसकी? अभी तक की जो हमारी तफ्तीश है उसमें कोई ऐसी एविडेंस सामने नहीं आई है कि इसमें कोई दूसरा मुलज़िम भी शामिल था। अच्छा, ताहम स्टिल इन्वेस्टिगेशन इज़ इन द प्रोसेस, तो जब ये फाइनल होगी तो इंशाल्लाह इसमें फाइनल हम इंशाल्लाह। अच्छा मंसूर साहब, मामला कुछ ऐसे है कि मस्जिद के अंदर ये वाक़या बकौल एनी शाहिद और जो हमारे पास शवाहिद वीडियो की शक्ल में मौजूद हैं ये मस्जिद के अंदर वाक़या पेश आया, मगर FIR में मस्जिद के अंदर यानी जिक्र नहीं है, ये है कि घर के बाहर ये कत्ल किया गया है। ज़ीशान साहब, इसमें अगर हम FIR को देखें जो कि चूँकि ये पहले डायरेक्ट 302 का केस नहीं है, ये पहले इकदाम कत्ल का केस है जिसमें उसको फायर लगा जो अभी मकबूल है, चार दिन के बाद, यस या जिसको फायर लगा तो वो चंद दिन जिंदा रहा। जो उसने बयान पुलिस को रिकॉर्ड करवाया उसमें उसने कहा कि मैं मस्जिद से बाहर था। अच्छा, वो जो उसकी FIR है प्रिलिमिनरी, अगर आपके पास FIR हो तो वो FIR अगर हम देखें तो वो खुद कहता है कि मैं मस्जिद के बाहर हूँ। तो एनीवे अब कुछ ऐसी लोग भी कह रहे हैं कि ये मस्जिद के अंदर पेश आया है या इसकी कुछ अंश शवाहिद मस्जिद के अंदर है, तो हम इस जो फैक्टर को हम इग्नोर नहीं करेंगे। अगर ये मस्जिद के अंदर भी साबित हुआ तो इससे कानूनी तौर पे कोई असर नहीं पड़ता, हम इसकी पूरी एविडेंस इनकॉर्पोरेट करके इस केस को जितना मजबूत हो सका उतना करेंगे। अच्छा, वरसा जो हैं जाफ़र के, उनका ये इल्ज़ाम है कि ये सादा कागज़ पर दस्तखत करवाए गए जाफ़र से और उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि मस्जिद के बाद, चले मस्जिद को भी हम निकाल देते हैं लेकिन ये उसका बयान अपना नहीं है बल्कि उसे दस्तखत करवाए गए थे, क्या ये आपके इल्म में है ये बात? ये उनका नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे इल्म में है कि मेरे सुपरविजन में ये सारा मामला हुआ है और ऐसा कोई मामला नहीं है कि उससे ज़बरदस्ती को साइन वगैरह करवाए गए। और क्राइम सीन से मौका वारदात से जाए वारदात से सारे शवाहिद इकट्ठे, क्योंकि एक दिन बाद जाहिर है ताकि के बाद शवाहिद जाया हो सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं, कोई ऐसे शवाहिद जाया नहीं हुए जहाँ खून आलूद मट्टी है, उसके कपड़े हैं या दीगर जितनी भी फॉरेंसिक एविडेंस है वो सारी की सारी। केस कितना मजबूत है मंसूर साहब? केस 100% मजबूत है, ये दिन का वाकया है, दिन की रोशनी का वाकया है, गवाहान मौजूद हैं। इस केस में कोई ऐसा सुकम मौजूद नहीं है, ना कोई रात का वाकया है, ना कोई ऐसा वाकया है कि जिसमें कोई छुप के मारा गया हो, तो ये दिन दिहाड़े का है और इंशाल्लाह ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मंसूर आलम खान साहब DSP कबीरवाला, वो ये कह रहे हैं कि इस बड़ा मजबूत है, 100% मजबूत है और अंजाम को पहुंचेगा ये मुलजिम। जाहिर है शवाहिद इकट्ठा करना इनका काम है और उन शवाहिद की रोशनी में फैसला करना अदालत का काम है, देखते हैं अदालत क्या करती है फैसला और जाफर को इंसाफ मिलता है या नहीं। कयामत यही है कि इंसान इंसान का शिकारी हो जाए और अखलाकी और समाजी इकदार को भूल कर वो कर गुजरे जिसका कोई तसव्वुर भी ना कर सके। फयाज ने भी इन इकदार को पसे पुश्त डाल कर अपने बहनोई और साले का इस बेदर्दी से कत्ल किया कि इंसानियत तक कांप उठी। मस्जिद जो अमान का घर है उसमें घुसकर एक नमाजी को बेदर्दी से कत्ल करना कयामत नहीं तो और क्या है। जर जन जमीन के पीछे सदियों से इंसान दूसरे इंसानों का गला काटते आए हैं, मगर जमीन के लालच में फयाज अपनी ही बहन का घर उजाड़ देगा ये शायद मकतूल जाफर ने भी ना सोचा था।
जाफर तो इस दुनिया से चला गया, मगर पुलिस ने जिस तरह इस केस को एक नया रुख दिया और केस को बिगाड़ने की कोशिश की, उससे भी हमारे इंसाफ के निजाम पर कई सवालात खड़े हो गए हैं। जाफर की बुजुर्ग माँ बहती आंखों और कांपते हाथों से सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इंसाफ मांग रही है। वो बहनें जिन्होंने बड़े चाव से अपने भाई का घर बसाया था, कफन में लिपटी उस लाश को भुलाए नहीं भूल रही हैं। उनका मुतालबा है तो सिर्फ एक, कि जाफर को इंसाफ मिले, उनको इंसाफ मिले और मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि इंसाफ पर आवाम का एतमाद बहाल हो सके।